नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगल अगला बेट बिल्कुल देसी अंदाज में। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव को बिगुल बज चुका है। 25 नवंबर को मतदान होगा। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई है। भरतपुर जिले में प्रत्याशी घोषित करने में बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे है। बहुजन समाज पार्टी ने भरतपुर और डीग जिले में 2 प्रत्याशी घोषित कर दिए। बीजेपी ने दोनों जिले में 1-1 प्रत्याशी घोषित करो है। कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों से पीछे है। अभी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं करी है। बहुजन समाज पार्टी ने भरतपुर जिले की नदवई और बयाना रूपबास पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। नदवई विधानसभा से खेमकरण तोली और बयाना रूपबास सीट पर मदन मोहन भंडारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। डीग जिले की नगर विधानसभा सीट पर खुर्शीद अहमद और कुम्हेर डीग विधानसभा पर हरिओम शर्मा को अपनों प्रत्याशी बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने भरतपुर और डीग जिले में 1-1 विधानसभा पर अपनों प्रत्याशी घोषित कर दिए है। भरतपुर जिले की वैर विधानसभा पर बीजेपी ने पूर्व सांसद बहादुर कोहली को अपनों प्रत्याशी घोषित करो है। डीग जिले की नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी जवाहर सिंह वेडम को बनाया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित दोनों विधानसभा सीट वैर और नगर पर विरोध शुरू है। वह नगर विधानसभा सीट से 2 बार रही बीजेपी विधायक अनीता सिंह और बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता नेम सिंह फौजदार जवाहर सिंह वेडम को विरोध कर रहे हैं। दोनों ही नगर विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। नगर विधानसभा सीट पर विरोध को देखते हुए बीजेपी की मुश्किल कड़ी है गई। वैर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने बहादुर कोहली को अपना प्रत्याशी बनाया है। बहादुर कोहली 2 बार बीजेपी से संसद और 2 बार विधायक को चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन यह बार बहादुर कोहली को भी वैर में विरोध शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता कोमल महावर ने बहादुर कोहली को विरोध करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अभी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं करी है। कांग्रेस पार्टी में ऐसा विरोध भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी लगभग तय माने जा रहे हैं। जैसे कुमेर डीग विधानसभा से विश्वेंद्र सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। वैर विधानसभा सीट पर भजन लाल जाटव को ही अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारेगी। भरतपुर से डॉक्टर सुभाष गर्ग ही कांग्रेस के या लोक दल से गठबंधन होगो तो लोक दल के प्रत्याशी होंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी बागी है कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कैसे रोक पाएगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभी 2 ही सीट पर प्रत्याशी घोषित करे हैं और विरोध शुरू हो चुका है। अभी और विधानसभा सीटों पर भी या को अगर ऐसे ही विरोध देखने को मिलो तो बीजेपी की मुश्किल पड़ जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर दोबारा रूबरू होंगे। जब तक के लिए देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।